आप देख रहे हैं टिश ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और डीआईवाई की। गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो फेस्टिव बिगनर्स मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूं, बिकॉज फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है। आपको पता है दिवाली आने वाली है, तो मेकअप लुक तो बनता ही है ना। तो आज मैं आपके साथ में बिगनर्स मेकअप लुक क्रिएट करके बताऊंगी बिगनर्स कैसे मेकअप कर सकते हैं इस फेस्टिव सीजन में, ठीक है। एंड गाइस, यहाँ पर जो मेकअप प्रोडक्ट मैं यूज करने वाली हूँ बिगनर्स के लिए, वो यूज कर रही हूँ मेबलिन के। ये मेबलिन ने मुझे सेंड किए हैं सारे प्रोडक्ट, एंड इनके जो प्रोडक्ट होते हैं ना गाइस, वो सभी लेवल के मेकअप लुक में बहुत सही से जाते हैं। जैसे कि आप बिगनर्स हैं तो भी इनके मेकअप प्रोडक्ट यूज करके बहुत अच्छा अपना मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मीडियम लेवल में कर रहे हैं, अगर आप एडवांस मेकअप कर रहे हैं, तो भी इनके प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे रहते हैं। तो ये जो है, ये पूरा किट इन्होंने सेंड किया है गाइस। तो अभी सारे प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगी, एंड उसके बाद में हम मेकअप करना स्टार्ट कर देंगे। चैलेंज भी होगा इसके अंदर। मैंने कुछ कार्ड बनाए हैं इस तरह से, जो कि चैलेंज है वो है नेवर हैव आई एवर करके चैलेंज है, क्वेश्चंस है जिसको मैं रिप्लाई करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी इन क्वेश्चंस को पढ़ के और उसके रिप्लाई करूंगी, तो आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इस चैलेंज को भी करेंगे एंड मेकअप लुक को भी साथ साथ करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, फर्स्ट हम लोग फाउंडेशन से स्टार्ट कर लेंगे। मैंने अपना फेस को अच्छे से वॉश कर लिया एंड सीटीएम में ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो चलिए फाउंडेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। एंड फाउंडेशन जो मैं यूज कर रही हूँ वो है सुपर स्टे 24 फुल कवरेज फाउंडेशन है ये वाला। बिगनर्स के लिए गाइस बहुत सही रहता है, आप थोड़ा सा लाइट मेकअप करें एंड आपका मेकअप जो है वो लुक वाइज बहुत ज्यादा अच्छा लगना चाहिए। एंड आप लोग देखेंगे ये मैंने फाउंडेशन ले लिया है एंड मेरी स्किन टोन से काफी मैच हो रहा है ये फाउंडेशन। ये पंप के साथ में इस तरह से आता है। फाउंडेशन को गाइस आप लोग डॉट डॉट करके इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। कभी भी आप फेस्टिव सीजन के लिए रेडी हो रहे हैं या शादी के लिए, कहीं के लिए भी गाइस आप लोग रेडी हो रहे हो ना, तो हमेशा अपनी नेक को कवर जरूर करें, मतलब कि मेकअप जो है वो नेक पर जरूर करिए। अगर आप नेक पर नहीं करोगे तो आपका नेक है वो बिल्कुल अलग ही लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने डॉट डॉट कर लिया है एंड अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर जो स्पॉन्ज होता है ना, उसकी हेल्प से अपना जो फाउंडेशन है उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। और इसको आपको वेट करना होगा, गीला होना चाहिए ये, ठीक है। ये काफी अच्छा कवरेज देता है फाउंडेशन, तो अगर आप नाइट में पार्टी में या जा रहे हैं है ना, या आप कहीं पर भी ये वाला फाउंडेशन यूज करते हैं, तो इसका कवरेज ज्यादा काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आपको लाइट मेकअप करना है तो आप इसे लाइट लगाइए, बिल्कुल कम में। एंड अगर आप ज्यादा मेकअप मतलब कवरेज ज्यादा चाहते हैं तो आप इसका जो है वो डबल कोट भी लगा सकते हैं। लोग अपने ईयर को भी कवर करेंगे, ईयर पर भी आप हल्का सा लगाइए, ताकि जो ईयर आपका फेस एंड नेक है ना वो बिल्कुल सिमिलर लगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फाउंडेशन लगा लिया है, चलिए चैलेंज भी साथ ही साथ स्टार्ट कर लेते हैं। मैं अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ले रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है, नेवर हैव आई एवर कलर करेक्ट माई फेस,
नो, कभी नहीं, मैंने अपने फेस को कभी करेक्टर नहीं किया है, बिकॉज मेरा फेस एकदम क्लीन है, ऐसा कोई पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स नहीं है जिससे मुझे करना पड़ता है। लेकिन यस, मैं ऑलवेज जो करती हूँ ना गाइस, वो मैं कंसीलर ही करती हूँ, अदरवाइज फेस पर मैंने करेक्टर कभी नहीं लगाया है। लेकिन आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों ने लगाया है क्या। और हमेशा मैं कंसीलर यूज़ करती हूँ फिट मी का, एंड ये तो मेरा बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में अपना मेकअप जब लिया था ना, तो मैंने ये कंसीलर यही वाला लिया था, एंड मेरे पास ऑलरेडी एक और पड़ा है ये, तो मैं ऑलवेज यही कंसीलर यूज़ करती हूँ एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आपके जो डार्क एरिया है ना, वहाँ पर आप कंसीलर लगाएंगे तो इससे आपके जो डार्क एरिया है वो हाइड भी हो जाएगा, एंड आप जो अपने पॉइंट्स हैं उसे हाईलाइट करना चाहते हैं ना, तो वहाँ पर भी आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऑलवेज जो लगाती हूँ वो इसी तरह से लगाती हूँ जैसे कि मैं आपके साथ अभी दिखा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। एंड ये आपके जो हाई पॉइंट्स है ना, वो एकदम से उभर कर आते हैं, एंड आपका जो मेकअप है गाइस, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सेम हम स्पॉन्ज से ही इसको इस तरह से हल्का हल्का है ना, बस ब्लेंड कर लेंगे। बस आपको इसको वहीं पर करना है, बस हल्का हल्का आपको डैप डैप ही करना है। तो गाइस देखा आपने, अच्छे से कंसील हो चुकी है जो भी डार्क एरिया है, एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा है इसका कंसीलर, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। एंड नेक्स्ट हम यूज कर लेते हैं कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट मैं यूज कर रही हूँ, सेम फिटमी का कॉम्पैक्ट है ये, 109 लाइट यूरी मेरा शेड है, एंड ये कुछ इस तरह से है, एंड बिगनर्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा है ये देखिए। कॉम्पैक्ट को आपको अपना जो फाउंडेशन है उसे सेट करने के लिए हल्का हल्का यूज करना होता है। कॉम्पैक्ट को पूरे फेस पे लगाने की जरूरत नहीं होती है, आप इसे अपने बस टी जोन एरिया पे है ना यूज कर सकते हैं इस तरह से। अभी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लगाया है, थोड़ी सी देर में ये ना फाउंडेशन अच्छे से सेट हो जाएगा, देन इसको मैं फॉल आउट कर लूँगी। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन हमारा फिर ले रहे हैं, नेवर हैव आई एवर यूज्ड लिपस्टिक एज अ ब्लश। यस ऑफ कोर्स, मोस्टली मतलब मैं ज़्यादातर है ना लिपस्टिक को एज अ ब्लश यूज़ करती हूँ, एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जब मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप अच्छे से नहीं करना होता है, बस हल्का सा मैं अपने फेस पे थोड़ा सा पिंकी चाहती हूँ ना, तो उस वक्त ऑलवेज मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपने फेस के ऊपर जो लिपस्टिक जो लगाती हूँ उसी को मैं एज ए ब्लश यूज़ कर लेती हूँ। आप लोग भी करते होंगे, काफ़ी लोग ऐसा करते होंगे है ना। तो अभी हम इसको थोड़ा सा वापस से इस तरह से कर लेंगे ताकि अच्छे से हमारा सेट हो जाएगा। बस इस तरह से हमें इसको कर लेना है, ठीक है। एंड अभी मैं ब्लश है वो यूज़ कर रही हूँ, ये वाला फिट मी ब्लश मेबेलिन का, काफ़ी अच्छा कलर है इसका। कलर बहुत ही नेचुरल लुक क्रिएट करता है, अगर आप इसे लगाते हैं तो लुक है ना वो बहुत ज़्यादा नेचुरल आता है, आप लोग देखिएगा। काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, हल्का सा पिंकी एक नेचुरल लुक लग रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिर ले रही हूँ, नेवर हैव आई एवर मिक्स्ड टू शेड्स ऑफ अ ब्लश। नहीं, आज तक मैंने ऐसा तो नहीं किया, मतलब कभी मैंने दो ब्लश के शेड को लेकर अपने नहीं लगाया है, बट आप लोगों ने किया तो जरूर बताना। एंड बिगनर्स के लिए तो मोस्टली, जैसे मैंने आपको बताया, मैं मोस्टली लिपस्टिक को ही एज ए ब्लश लगा लेती हूँ, बट हाँ दो शेड को मैंने कभी आज तक ऐसा नहीं किया है। एंड नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो मैं ले रही हूँ, नेवर हैव आई एवर अप्लाइड अ विंग्स लाइनर सक्सेसफुली ऑन माय ओन। यस गाइस, आप लोग देखो, मैंने हमेशा, मतलब ये समझ लीजिए कि जब मैं बिगनर्स थी ना, तो उस वक्त मैं लाइनर जब भी लगाती थी तो मेरा एक लाइनर है वो हमेशा, मतलब दोनों में काफ़ी डिफरेंस लगता था, एक लाइनर ऊपर हो जाता था एक नीचे हो जाता, या कभी कुछ, मतलब कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होती थी, कभी सेम नहीं होता था।
बट अब जब भी मैं लाइनर लगाती हूँ तो बहुत ही अच्छे से लाइनर लगता है एंड सिमिलर होता है। एंड आप लोग बताना कि अभी भी आप लोग कौन कौन मिस्टेक करते हो एंड अच्छे से आप लोगों का नहीं हो पाता है, ठीक है। एंड अभी जो मैं आई शेडो यूज कर रही हूँ गाइस, वो आई शेडो पैलेट आप देख सकते हैं, ये वाला। इसमें सभी न्यू शेड है जो कि बहुत ज्यादा प्यारे हैं एंड बिगनर्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत ही ज्यादा लाइट जो शेड है ना वो वाला यूज करने वाली हूँ यहाँ पर। एंड इसके साथ में छोटा सा एप्लीकेटर भी दिया है तो बहुत ही इजी होता है इसे लगाना। मैंने इसे ट्राई किया है, लगाया है, काफी अच्छे से लग जाता है। इसे हल्का सा ब्राउन जो शेड है वो ले रही हूँ मैं एंड अपनी क्रीज बिल्डअप करूंगी इस तरह से। अगर आप बिगनर्स है ना तो आपको जरूरी नहीं है कि एज आप ब्लश मतलब ब्रश के साथ में आप अप्लाई करें। अगर आपको नहीं सही से लगता है तो आप अपनी फिंगर से भी इसे इस तरह से लगा सकते हो एंड मोस्टली मैं फिंगर भी यूज करती हूँ इसे इस तरह से लगाने में भी। एंड अगर हम देखें ना गाइस तो फिंगर से बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है एंड पूरा अच्छे से लग जाता है, ये देखिए। मैं पूरी आईलिड जो है उसको पूरे पर इसको ब्लेंड कर लूं। एंड ये हमारा मेकअप लुक जो है बिगनर्स के लिए हो रहा है तो हम बहुत सारे कलर इसमें ऐड नहीं करने वाले हैं। मैं सिंपल एक सिंगल कलर ही बस ऐड कर रही हूँ क्योंकि हल्का सा स्मोकी लुक भी आपको लगेगा इसमें आईज के अंदर। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रीज मैंने बिल्डअप कर ली है, काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। एंड अब जो ये गोल्डन शेड है ना वो गोल्डन शेड में सेंटर पे लगाऊंगी बिकॉज आप देख रहे हैं मैंने जो ड्रेस वेयर की है वो भी हल्का सा इसपे जो एम्ब्रॉयडरी है वो गोल्डन है तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। तो मैं हल्का हल्का इसे प्लेस करूंगी। एंड नाउ गाइस मैं यूज करने वाली हूँ मेबेलिन का कॉलोसल मस्कारा जो कि काफी ज्यादा अच्छा है एंड ये वाटरप्रूफ है मस्कारा। आप है ना इस तरह जब भी लेंगे ना तो इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट आ जाएगा एप्लीकेटर में, तो हमेशा इसको इस तरह से थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए एंड फिर आप इसे लगाइए वरना आपकी जो आईलैशेस है ना उससे बहुत सारा प्रोडक्ट लग जाता है। एंड ये लगा दिया है मैंने मस्कारा एंड काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नेवर हैव आई एवर ओवरलाइंड माय लिप्स। ओवरलाइंड माय लिप्स नहीं गाइस, मैं ये कभी नहीं करती हूँ। मतलब मैं जब भी लिपस्टिक लगाती हूँ तो डायरेक्ट ही लगाती हूँ, कभी लिप लाइनर को मैं मतलब बहुत ज्यादा ओवरलिप नहीं करती, ओवरलाइन नहीं करती अपने लिप्स पर। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेकअप लुक कंप्लीट एंड ये लिपस्टिक बाकी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, दो लिपस्टिक के शेड है मेरे पास मेबेलिन की, ये आप देख सकते हैं दोनों शेड है, एक है रेड में एंड एक हल्का सा पिंक कलर है। तो अभी फेस्टिव सीजन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो रेड कलर है, लेकिन बिगनर्स मेकअप लुक है तो मैं आपको ये वाला लगाकर बताऊंगी, ठीक है। एक रेड कलर एंड ये न्यूड पिंक, पिंक न्यूड बोल सकते हैं हम इसको, बहुत ही ज्यादा प्यारा कलर लग रहा है एंड ये कलर मेरा फेवरेट वाला कलर है। तो चलिए ये लिपस्टिक कलर में लगा रही हूँ। एंड ये हमारा मेकअप लुक कंप्लीट है बिगनर्स मेकअप लुक फेस्टिव सीजन के लिए। आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइए एंड ये सारे प्रोडक्ट कैसे लगे ये भी बताइएगा। एंड सभी के लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोगों को बाय करने हैं तो आप लोग जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा एंड अपने लिए बाय करिएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए था और चैलेंज कैसा लगा, मैंने कुछ क्वेश्चन के आपको रिप्लाई किए हैं। आई नो आपको ये चैलेंज भी अच्छा लगा होगा, तो बहुत सारे लाइक करना एंड फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड सभी के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए गाइस, खुश रहिए, बाय बाय।